नमस्कार, आप देख रहे हैं आरभट न्यूज, खबर दानापुर से है। ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन ने अपने 14 प्रत्याशियों को चुनाव के मैदान में उतार दिया। इसी कड़ी में आज मनेर विधानसभा क्षेत्र से AISF के पटना जिला सचिव जन्मेजय कुमार ने दानापुर अनुमंडल कार्यालय में अपना नामांकन दाखिल कराया। वहीं पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा, देखें इस रिपोर्ट में। मैं मनेर विधानसभा से अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया हूं और हमारी पढ़ाई जब पूरी हो चुकी तो छात्र राजनीति में बने रहने का कोई जगह नहीं है। छात्र राजनीति का मतलब ही होता है कि छात्र होना, और राजनीति का पहला कदम होता है वह छात्र होता है और कॉलेज कैंपसों में छात्र होते हैं। हमने अपने छात्र जीवन में छात्रों के सवालों को, शिक्षा के सवालों को पुरजोर तरीके से उठाया है और तमाम जो जज्बा है, वो जो क्रांति का अनुभव है, वो तमाम जज्बे के साथ मनेर के निवासियों को, मनेर के नौजवानों को, मनेर के बच्चों को उज्जवल भविष्य के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके रोजगार के लिए, किसानों की सिंचाई के लिए मैं पूरी तरह से प्रतिबद्ध हूँ। और मनेर की जनता इस बात पर विचार कर रही है कि सबको देखा बार बार, अब की बार युवा उम्मीदवार। आपके उम्र का अभी तक कोई उम्मीदवार जो है मनेर से तो नहीं, दानापुर से भी नहीं, आप क्या कहेंगे जो मैंने कि किस उम्र के हैं और किस? हमारी उम्र अभी 29 साल पूर्ण हो रही है और हमें कहना चाहते हैं, अब तमाम लोग अवगत हैं कि जिस तरह से अभी देश के अंदर, केवल बिहार के अंदर ही नहीं, राजनीति का आर्थिकरण हुआ है, पूंजीकरण हुआ है, हमारे जैसे लोग जो किसान मजदूर के बच्चे हैं वह यहाँ तक सोच भी नहीं पाते हैं। काश अगर हमारी भी पढ़ाई नहीं हुई होती पटना यूनिवर्सिटी में तो हम भी यहाँ तक नहीं सोच पाते और हम भी कहीं खेत खलिहान में काम कर रहे होते। हमने जब पढ़ा है, हमने चीज़ों को समझा है, संविधान को माना है, तो चुनाव एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और इसमें इस देश के सभी नागरिक को भाग लेने का बराबर अधिकार है। और वो तमाम लोग जो शासन व्यवस्था में बने हुए हैं, तमाम जनता को परेशानी का सबब का कारण बने हुए हैं, उस चीज़ों को हम जनता के बीच में ले जाएंगे और सरकार की पोल खोल करेंगे। स्टूडेंट लाइफ में किसमें थे? हम छात्र संगठन AISF के राज्य परिषद के सदस्य रहे और अपने छात्र जीवन का जो कार्यकाल हुआ छात्रों के लिए पूर्ण रूप से समर्पित रहा है। मनेर में रिंग रोड की समस्या आ रही है, क्या कहेंगे? बिल्कुल एकदम मनेर के लोगों के साथ या कहीं से भी न्यायपूर्ण फैसला नहीं है। जब रिंग रोड बन रही है तो मनेर के लोगों को दरकिनार करना यह सरकार की पूरी तरह नाकामी को दिखाता है। किसी भी तरीके से मनेर के लोग इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे और जो वहाँ के मौजूदा विधायक हैं इस बात को लेकर के चुप्पी साधे हुए हैं, जिसका जनता में काफ़ी आक्रोश देखने को मिल रहा है। जन्मेजय कुमार, मनेर विधानसभा प्रत्याशी, मैं निर्दलीय प्रत्याशी हूँ, जानीपुर नगवां।